लेकिन आप जो कह रहे थे कि उसने अपनी मान लिया था कि 200 पार नहीं होते तो मानो हम हमारी इज्जत चली जाएगी। मैं तो दूसरा विचार ये रखता हूं कि अगर जिस हिसाब से बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ा था और जिस स्तर पर उतर कर लड़ा था, अगर 200 के पार जाती तो भी शायद बीजेपी को वो इज्जत प्राप्त नहीं होनी थी। जिस हिसाब से एक महिला को सारे पूरे मंच पर से अपमानित किया गया, उनके गिरने के बाद उसका भी मजाक उड़ाया गया, तो अगर वो उनकी इज्जत में बहुत कम या ज्यादा कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन हाँ, ये है कि उनके अनुमान गलत हुए हैं और अब स्थिति निश्चित रूप से ममता बनर्जी ने बता दिया है कि क्यों सारे देश की निगाहें ममता बनर्जी पर और उनकी पार्टी पर टिकी हुई थी और क्यों पश्चिम बंगाल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। हाँ, इसमें एक पेच अभी भी फंसा है कि अगर टीएमसी को इतना बढ़िया बहुमत वापस मिल रहा है तो स्वयं ममता बनर्जी क्यों हार रही हैं? होता है कई बार चुनावी चुनावी समीकरण गड़बड़ा जाते हैं, स्थानीय बूथ का मैनेजमेंट खराब हो जाता है, वो एक बात की बात है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो मैं देख रहा हूँ फिगर 112 से अब फिर 98 पे आ गया है, हम नहीं कह सकते, हो सकता है ये फिर आगे बढ़े नीचे हो, लेकिन टीएमसी का प्रदर्शन अपने निष्ठा और अनुमानों के अनुकूल निश्चित रूप से जा रहा है। और मेरा अपना मानना है चुनाव से परे जाकर कि ममता बनर्जी एक आशा की स्मरण बनी हुई है कि टीएमसी और उस सांसद जिस हिसाब से लोहा ले रहे हैं इस समय मोदी सरकार का, संसद के अंदर देखिए महुआ का प्रश्न देखिए, और हिसाब से सबसे ज्यादा आज के जो आधुनिक चाणक्य है जो तोड़फोड़ की रचना की थी वो टीएमसी को लेकर ही की थी, और इस तोड़फोड़ के बावजूद, इस अपमान के बावजूद, इस तरीके खराब तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद अगर बीजेपी वहां से हारी है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र ने एक बड़ा सही निर्णय लिया है। और यह पोजीशन कब तक रहती है मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पोजीशन आगे तक बढ़ेगी। जहां तक तब केरल की बात हो रही थी तो केरल में निश्चित रूप से बात यह है कि अल्टीमेटली कहा ही जाता है कि पढ़े लिखे लोगों की वो पढ़े लिखे लोगों का देश जगह है, वो एक राज्य है। तो इस दौरान जो प्रदर्शन किया आपके सहयोगी मैंने जी भी इसकी ओर इशारा किया था, शाकिर जी ने इशारा किया कि वहां जो महामारी का जो प्रबंधन किया गया वो तो बड़ा बेहतरीन किया गया। तो वैसे व्यक्तिगत रूप से आप मुझे कहें तो मैं पश्चिम बंगाल के मुकाबले केरल की ज्यादा सराहना करूंगा कि जन सरोकार के मुद्दों की राजनीति करने वाली या सरकार जो है प्रबंध करने वाली उसको उन्होंने योग्य रूप से पारितोषिक दिया है। अगर ये जीत जाते हैं तो चाहे इतिहास जो है दोबारा का वहां बहुत कम रहता है, लेकिन अगर दोबारा वो सरकार बनाती है निश्चित रूप से एलडीएफ जो बनाती है बहुत अच्छी बात है। ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए कि जो सरकार अच्छा काम करे उसे आप जिताइए, और भावनात्मक मुद्दों की बजाय जो जनहित के मुद्दे हैं उसको अच्छी तरीके से निभाने वाली सरकार को हमें निश्चित रूप से जिताना चाहिए। इस दो राज्यों के ऊपर मैं विशेष रूप से बात करना चाहता था। जहां तक तमिलनाडु है अब स्थिति बहुत क्लियर हो रही, हम लोगों ने जो अनुमान लगाया था वहां के नतीजों कर उसके लगभग वो अनुकूल है। पुडुचेरी बहुत छोटा राज्य है, वहां लगभग ये स्थिति होनी ही होनी थी। और असम का जरूर है कि असम में भी लग रहा था कि कांग्रेस शायद इस समय जी, कुछ बेहतर प्रदर्शन आवाज करे। जरा नहीं आ रही है। जहां तक असम की बात है वहां भी निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रदर्शन वैसा नहीं रह पाया है जैसा होना चाहिए था, और एनडीए वहां दोबारा आती नजर आ रही है। असम राजू में भी जी देखिए 115 के रुझान, अभी 126 में से 115 के रुझान आ चुके हैं और उसमें से 72 सीटों पर एनडीए जो है वो बढ़त बनाए हुए है, जबकि यूपीए 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तमिलनाडु में हमने देखा और देख रहे हैं कि 234 की 234 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं, जिनमें से डीएम के 134 सीटों पर, और बिल्कुल हमारा जो एग्जिट पोल था उसी अनुमान के आधार पर यहाँ दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु में डीएम के 134 और एआईडीएम के 100 सीटों पर, जबकि एमएनएम का खाता नहीं खुल पाया है, आदर्श का खाता नहीं खुल पाया है। और उधर केरल में जैसा हम कह रहे थे, जैसी बातें हो रही हैं, हालांकि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से बिल्कुल उलट है, लेकिन फिर भी केरल में एलडीएफ की सरकार इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों के आधार पर 88 सीटों पर इस वक्त एलडीएफ आगे है, जबकि कांग्रेस 50 सीटों पर अभी तक
बरकरार है। और उसके अलावा आप देखें तो पुदुचेरी में बहुत देर से वहां से कोई आंकड़े नहीं आए हैं, 14 की 14 सीटें और उसमें से 5 और 9 का आंकड़ा, 9 पर NDA जबकि UPA 5 सीटों पर आगे है। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। आप पटखनी देनी किसे है, ममता बनर्जी को देनी है कि उनकी पार्टी को देनी है, ये शायद बीजेपी भूल गई। बीजेपी का पूरा फोकस ममता बनर्जी को हराने पर लग गया और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी मतलब जो बाजी जीत सकती थी, कह रही थी कि अब की बार 200 के पार, अब की बार TMC फिर से 200 के पार दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आंकड़े अगर बरकरार रहते हैं 292 सीटों पे चुनाव और 292 सीटों में से 191 सीटें लेकर के TMC सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई अभी तक है। और सबसे दुखद पहलू है तीन बड़े घटक दलों का, जिसमें कांग्रेस है, वाम दलों का गठबंधन है और फुरफुरा शरीफ का पूरा साथ है, जिसमें ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट फुरफुरा शरीफ के तरफ से बनाया हुआ, और ये मात्र 5 सीटों पे अटक गए हैं, लटक गए हैं, अभी तक दिखाई दे रहा है। और इन पांच सीटों में एक चीज़ मज़ेदार आप देख रहे हो दोस्तों, कि जब फुरफुरा शरीफ की बात करें तो आप याद कीजिए कि सबसे पहले AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी फुरफुरा शरीफ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हम आपके साथ हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को फुरफुरा शरीफ ने वापस लौटा दिया था ये कह करके कि हम आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इस बार हम लोग चुनावी मैदान में खुद उतर रहे हैं। पहली दफ़ा है कि फुरफुरा शरीफ ने पॉलिटिकल ढंग से मतलब चुनावी मैदान में ये उतरे हैं। अभी तक इन लोगों का मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी और पार्टी जो हैं, इन लोगों का हमेशा किसी न किसी दल को सहयोग रहा, समर्थन रहा, सपोर्ट रहा, लेकिन इस बार ये खुद मैदान में उतरे। ये तीन दलों का जो एक गठबंधन है ये काफ़ी कमज़ोर नज़र आया और मात्र 8% वोटों के साथ 5 सीटों पर अभी तक लीड करते हुए ये दिखाई दे रहे हैं। TMC अपने पुराने रंग ढंग में नज़र आ रही है। तीसरी दफ़ा अगर आप देखें कि लगभग 200 के करीब अगर TMC पहुंच रही है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहां नज़र नहीं आ रहा है, साफ दिखाई दे रहा है मुझे तो। मैं नहीं जानता कि मुझको और लोग किस ढंग से इस चीज़ को देखेंगे, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि दो भागों में TMC को छोड़ दें अगर दीपक जी, तो यहाँ दो भागों में मतदाताओं को बढ़ते हुए हम BJP और वाम दलों के गठबंधन में देख रहे हैं। एक तरफ BJP ने अपने मतदाताओं का बेस तैयार किया है, दूसरी तरफ इन मतदाताओं के बेस में अधिकतर पार्ट पे हम देख रहे हैं कि वो लोग गए हैं जो वाम दलों के साथ थे, वाम दलों को सपोर्ट करते थे। और ये खबर आज से नहीं, बहुत पहले से आती रही है कि वाम दलों के समर्थक धीरे धीरे BJP की तरफ जा रहे हैं, और एक लेफ्ट से राइट की ओर, और वो भी बिल्कुल इस ढंग से जाना, ये क्या कुछ कहता है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और सीधे एक बार फिर से आना चाहूँगा दीपक जी आपके पास, कि आप क्या मेरी बातों से सहमत हैं? अच्छा, अजय जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अजय जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन थोड़ा सा इस पर विश्लेषण चाहूँगा दीपक जी आपसे, कि क्या लेफ्ट से सीधे राइट की ओर चले गए हैं जो लोग पहले, क्योंकि ये बातें लगातार होती रही हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, लेफ्ट से राइट तरफ बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से BJP का बेस जो है पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, और पश्चिम बंगाल में उनका दावा भी था और उन्होंने मेहनत भी की, कुछ उस तरीके से की, जिस तरीके से उनको ध्रुवीकरण करना था, जिस तरीके से तोड़फोड़ करनी थी विधायकों की और दूसरों की, वो उन्होंने सारा कुछ किया। और उसके आधार पर फिर भी अगर वो 96 पर आते हैं, 100 पर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि उन प्रयासों को पश्चिम बंगाल की जनता ने खारिज किया। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि पश्चिम बंगाल है वो अपने आप में एक इंटेलेक्चुअल किस्म का राज्य माना जाता है। तमाम हमारे जो जनजागरण के सामाजिक सुधारों की शुरुआत वहाँ पर हुई। अब आप देखिए कि अब पश्चिम बंगाल के लोगों को एक वहाँ के रविंद्र को छोड़ के आप एक डमी रविंद्रनाथ टैगोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये शायद किसी और राज्य में चल जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में उस आइडिया को खपाना ये खासा मुश्किल था।
तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझे पूछेंगे तो एकदम तमाम तिकड़मों को जो परास्त किया है टीएमसी ने, मैं कोई किसी एक पक्ष का समर्थक नहीं हूं, मैं कोई किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक निष्पक्ष रूप से अगर हम देखा तो राजनीतिक तिकड़मों को और उसके परास्त करना ही एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है और वही करना चाहिए। और अगर ये 191 का फिगर आप बता रहे हैं या वहाँ वापस कोई भी आए, चाहे ममता बनर्जी आए या कोई दूसरा मुख्यमंत्री आए, वो स्वयं हार जाती है तो जो भी होता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जिस प्रदेश में सर्वाधिक राजनीतिक तिकड़में बनाई गई लगाई गई उनका इस्तेमाल हुआ, वहां पर अगर उन तिकड़मों को परास्त किया जाता है, बीजेपी के लिए भी सोचने की बात है, जनता के लिए भी सोचने की बात है कि नागरिक कैसा जागरूक होना चाहिए एज ए वोटर, मतदाता के रूप में। मेरा तो अपना ये ख्याल है कि ध्रुवीकरण की भी काफी कोशिशें जो की गई वहां पर, बहुत खराब किस्म से कोशिशें की गई, बड़ी निंदनीय तरीके से कोशिशें की गई, जिस तरीके से अपमान किया गया, उड़ाया गया, ये सब हमारी राजनीति के कोई संकेत नहीं है। और विशेषकर जो पार्टी देश का नेतृत्व कर रही है उसको तो इन नैतिकताओं को लागू करने में कोशिश करनी चाहिए, इस नैतिकताओं को, अच्छे आचार को। वहां पर क्या नहीं किया गया ये आपके भी सामने है, मेरे भी सामने और नतीजे भी सबके सामने है, तो ये एक संतोष की बात है, सुकून की बात है, मेरे एक नागरिक के रूप में मैं कहता हूँ। राजीव जी, अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। ये जो आंकड़े 5 बनाम 96, अभी टीएमसी को अपनी जगह पे और देख रहे हैं, जैसा आप भी बता रहे थे कि अब की बार 200 के पार का नारा कहीं ना कहीं विनिंग कैंडिडेट, विनिंग पार्टी के लिए दिया जाता है, लेकिन ममता बनर्जी के की पार्टी के कई लोगों को तोड़ कर ले जाना, उसमें से शुभेंदु अधिकारी से लेकर मुकुल रॉय तक और तमाम बड़े बड़े नेता चले गए बीजेपी की तरफ, और उसके अलावा आप देखिए कि मिथुन चक्रवर्ती जैसे कद्दावर अभिनेता भी उनके साथ जुड़ गए, उसके बाद भी बीजेपी अब की बार इन आंकड़ों के आधार पर, इन रुझानों के आधार पर 100 के पार भी नजर नहीं आ रही है। एक तो ये कि बीजेपी की रणनीति के आधार पर बीजेपी का जो वहाँ बेस जो भी रहा हो वो कैसा क्या रहा है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पश्चिम बंगाल को, वो जानना चाहता हूँ। और दूसरा ये जो गठबंधन है घटक दलों का, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट दल और फुरफुरा शरीफ की पार्टी, इंडियन सेकुलर फ्रंट, इन तीनों को हम देख रहे हैं कि मात्र 5 सीटों पर लीड करना, आने वाले समय में हो सकता है कि ये सीटें और कम हो जाएं, तो ऐसी हालत क्यों हो गई है, ये दोनों का विश्लेषण चाहूंगा अजय जी आपसे। मैं देखिए इस बारे में ये कहूंगा कि ध्रुवीकरण बहुत जबरदस्त हुआ है, ध्रुवीकरण जबरदस्त नहीं होता तो बीजेपी को 96 सीटें भी जो जिन पे बढ़त दिख रही है वो भी नहीं दिखती। लेकिन एक चीज अच्छी हुई है, एक चीज वो टीएमसी के फेवर में गई और लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के बहुत ही निगेटिव में गई, वो ये कि मुस्लिम वोटों का कोई बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम वोटों पे कांग्रेस का भी जो है हमेशा वर्चस्व रहा है, लेफ्ट पार्टियों का भी वर्चस्व रहा है और कुछ हद तक टीएमसी का भी रहा है। लेकिन अभी जब ये स्थिति हो गई कि जो है अगर जो बीजेपी ने वहां पर भयंकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की और